जंगली हाथी ने बस्तिया में लोगों के घरों में तोड़फोड़ की। ग्राम प्रधान कविता धोनी द्वारा बताया गया कि जंगली हाथी रात्रि करीब 9 बजे ही अंबादत्त जोशी के खेतों में आ गया था। खेतों में गेहूं न होने के कारण वह उनके घर पर हमला करके तोड़फोड़ करने लगा। घर के अंदर रखा सामान और राशन भी तहस नहस कर दिया। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने इधर उधर भाग कर अपनी जान बचाई। इस घटना से परिवार में सभी लोग सहमे हुए हैं। हाथी द्वारा अशोक राम की रसोई में भी हमला किया गया। गनीमत रही कि वहां से हाथी बिना कोई नुकसान के चला गया। हाथी द्वारा विगत दिनों में काश्तकारों के घर पर तोड़फोड़ करने की घटना बढ़ती जा रही है। वन विभाग की टीम रात्रि भर गश्त में थी, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ। ग्राम प्रधान कविता धोनी ने वन विभाग से पुनः आग्रह किया कि अति शीघ्र ग्राम पंचायत बस्तिया के चारों ओर सोलर फेंसिंग का कार्य पूरा कर दिया जाए, जिससे कि ग्रामवासी जंगली हाथी से हो रहे नुकसान से निजात पा सकें। से खेतों में फसल बोदी जाती है तब से हाथी लगातार खेतों में आ रहा है। धान हो चाहे गेहूं हो, अभी गेहूं की फसल में इसने दिन रात परेशान कर रखा है गांव वालों को। पूरे गांव में घूमता है ये ऊपर से लेकर नीचे तक और रात दिन लोगों को परेशान करके रखा है। फॉरेस्ट वाले भी आते हैं, उनके भगाने पर भी नहीं भाग रहा है। अब फसल जितना इसने खाना था खा लिया, लेकिन फसल पक गई। काश्तकार अपने घरों पर फसल को ले आए हैं तो अब ये घरों पर हमला कर रहा है, रसोई तोड़ रहा है, किसी के घर तोड़ रहा है। बीते दिनों से इसने 4-5 बार घरों पर हमला कर दिया है। पिछले दिनों एक रसोई तोड़ी थी नीचे अशोक राम जी की, अभी ये कल रात इनकी रसोई पर हमला करके यहाँ पर तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर गया। एक दुकानदार था, उसकी दुकान 4 बार इसने तोड़ दी है। तो अब इससे जो गांव में घर में रह रहे लोग हैं वो भी भयभीत हैं, क्योंकि ये हल्ला मचाने पर या फिर भगाने पर उनको पीछे मारने के लिए दौड़ रहा है। वन विभाग की ओर से कल रात गश्त में जो टीम आई थी उनने अपना प्रयास किया भगाने का, लेकिन हाथी भाग नहीं रहा है। मौके पर अभी हमारी जो रेंज साहब हैं यहाँ के, उनसे बात हुई थी और उनका कहना है कि हम कुछ देर में पहुँच रहे हैं, शायद वो अपनी टीम लेके पहुँचेंगे मौका करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि गांव में पूरी जो एरिया बचा है हमारा सोलर फेंसिंग लगाने से, तो पूरे गांव को कवर कर दिया जाए, तो इससे राहत मिलेगी, क्योंकि काश्तकार काफ़ी मायूस हैं, वो फसल बोने की इच्छा भी नहीं है उनकी। अब इनकी आर्थिक मदद के लिए एक मुआवजा बनाया जाता है, अभी प्रशासन द्वारा विभाग द्वारा देखते हैं, इनका प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और इनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार नुकसान कर रहा है। सारी फसल इनकी चौपट कर दी है, घरों में हमला कर रहा है, रसोई तोड़ रहा है, घर से राशन निकाल के खा जा रहा है, फेंक जा रहा है, तो काफ़ी नुकसान हो रहा है काश्तकारों को। हाथी आया और सीधे आया, वो इधर ही से पीछे से आया, सीधे करके घर तोड़ने लग गया इधर, और पूरा अंदर मम्मी इधर खाना बना रही थी, अचानक से हम बिल्कुल डर के मारे ऐसा हो गया, बिल्कुल हम किधर जाते, सीधे अंदर गए, फिर अंदर से चैनल वैनल लॉक वॉक किया हमने, फिर ऐसे ही भगाया, हल्ला कर रहे थे तो आंगन में आ गया इधर करके, तो फिर क्या करते हम लोग, किधर जाते, आप ही बताइए ना सर। क्या करते रहता है? हमेशा आता है सर, डेली आता है, और डेली फसल हमारी लीची है, कटहल है, आम है, सब है सर। कितना हमने हल्ला किया, पटाखे फोड़े, भागा नहीं, जैसे आदमी के पीछे एक शेर पड़ जाता वैसे हमारी घर की तरफ भाग गया, और घर में आके तोड़ फोड़, हम लोग तो सब अंदर चैनल के अंदर छिप गए, चैनल के अंदर छिप गए। जैसे यहाँ आया, ये अलमारी तोड़ दी, हमारा जो चारा था गेहूँ पिसा के गाय के लिए रखा था वो भी खा दिया सब, ये किचन का ये दरवाजा अरवाजा बाड़ा सब तोड़ दी। उस टाइम 12 बज रहा था, हम लोग उधर से अंदर छिप जाते हैं, क्या करें, डर के मारे बाहर निकलते नहीं हैं। अलमारी खींच दी उसने, अलमारी तोड़ दी। वन विभाग ने प्रबंध तो किए हैं, लेकिन वो रोड आ जा रहा है। हाँ, अशोक राम बस्तिया।